सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, मैं हूं सैम और आप देख रहे हैं सैम ब्लॉग चैनल। जैसे गाइस, आप लोग तो मेरे दो तीन वीडियो में देख ही होंगे कि मैं बड़े बड़े पंडित लगाने गया था। आप लोगों को गाइस, पहला गया था संतोष मित्रा स्क्वायर, वहां पे लाल किला बना था दिल्ली का, और उसके बाद गया था लेक टाउन श्री भूमि, वहां पे बना था वेटिकन सिटी। और थर्ड ब्लॉग देखे होंगे आप लोग, गया था मैं श्रीरामपुर, वहां बना था मलेशिया का ट्विन टावर। और गाइस, तो वो सब दिखाना आप लोग हो गया बड़ा बड़ा पंडित। तो गाइस, आज हम चलेंगे कुछ जो हम लोग के आसपास का जो पंडल्स है वो आप लोग दिखाएंगे कुछ कुछ पंडल्स। तो आज हम वहीं पे जाने वाले हैं, मैं जाऊंगा और मेरा वाइफ है वो भी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, जरूर देखना, और वीडियो अच्छा लगता है लाइक कमेंट जरूर करना गाइस। और हाँ गाइस, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर करना, क्योंकि मैं छोटे छोटे ब्लॉग्स लाते रहता हूँ, आप सभी लोगों को सबसे पहले मिल जाए। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग दिखाते हैं कि आसपास के जितने पंडल्स है वो कैसे है। गाइस, आज है दशमी। तो गाइस, आज है विजयदशमी और निकल पड़े हैं आप लोग दिखाने के लिए कुछ यहाँ के कुछ पंडल्स। तो गाइस, अभी जो पंडल देख रहे हैं आप, ये दासनगर के जो रोड के सामने वाले पंडल्स हैं, तो आप देख सकते हैं वीडियो में। और ये है, ये गाइस आपका सानपुर पड़ेगा, वहाँ का दुर्गा माँ की मूर्ति है, काफ़ी सुंदर है गाइस। तो चलिए गाइस, आप लोग ले चलते हैं थोड़ा और दूर। और ये रहा ये इच्छापुर जलटंकी, वहाँ का पंडाल से ये मैंने जो ऑल होता है गाइस उल्लू, उसके थीम के ऊपर बनाया गया है। और ऊपर में कुछ त्रिशूल गाइस, काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया गया है यहाँ पे ऑल से, मैंने डिजाइंस काफ़ी अच्छे, मैंने काफ़ी ज़्यादा बेहद अच्छा लग रहा है दिखने में, बहुत खूबसूरत पंडाल बनाया गया है गाइस। यहाँ का जो काफ़ी सारे पंडल्स है जो बनाया गया है गाइस, तो जिस जगह बनाया गया पंडल सब गाइस, उस जगह के बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है, पर गाइस जितना भी मैं जानता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, मतलब आप लोगों को शेयर करूँगा। तो भाई, आप लोग वीडियो को देखिए और जो पंडाल से गाइस उसको मजा लीजिए। गाइस, ये जो इतने भी पंडाल्स मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ गाइस, तो गाइस ये इच्छापुर जो जगह है गाइस, वहाँ से एक गली जाता है आलूपाड़ा बोल के, तो उस जो रास्ता के जो बीच में ये सब पंडाल पड़ता है, पर कुछ तो नाम होगा पर हमको वो नाम नहीं पता, तो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ वीडियो में, आप लोग देखिए। और जिस जगह नाम मुझे पता होगा तो गाइस वो सब जगह मैं आप लोग को बताऊँगा वीडियो के माध्यम से। गाइस, जैसे कि आप लोग इस जगह को देख लीजिए, यहाँ का जो पंडाल बनाया गया है, इस जगह का नाम है कमरडांगा। और गाइस, यहाँ का इस बार का थीम है जो पेड़ होता है गाइस ट्री, आप लोगों को पता है, तो ट्री के अंदर में जो हार्ड है, जैसे इंसान के शरीर जो हार्ड होता है, उसे ट्री के अंदर में हार्ड बनाया गया है। गाइस देखिए, जो ट्री का जो हार्ड है गाइस, वो कैसे बीट कर रहा है, देखिए वीडियो में। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं उस जगह में, जिस जगह मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों का मैं जिक्र किया था। तो गाइस यही है आलूपाड़ा। तो और यहाँ पे बनाया गया है गाइस बांस, आप देख सकते हैं बेम्बू से बनाया गया, बेम्बू जो रस्सी होता है गाइस कपड़ा का, उससे बनाया गया पंडाल, जो कि गाइस काफ़ी ज़्यादा बेहद खूबसूरत दिख रहे हैं। और हाँ, चलिए गाइस मैं आप लोग को दिखाता हूँ जो यहाँ दुर्गा माँ का जो मूर्ति है वो कैसे है। गाइस, आलूपाड़ा में हर साल के जैसे इस साल भी मेला बैठा है, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस, अभी जो पंडाल देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, एक बाकड़ा मैंने काफ़ी नामदामी जगह है, तो वहाँ का एक जगह है जापानी गेट बोल के। तो गाइस यहाँ पे हर साल मैंने कुछ ना कुछ थीम लेके पंडाल बनाया जाता है, बट दो साल पहले तो गाइस आप लोग को पता है कि लॉकडाउन कोरोना से गया, तो कुछ मैं तक खास बना नहीं सका। और दो साल बाद गाइस देखिए, यहाँ का थीम है जो समुंदर को लेकर कुछ थीम है यहाँ पे, तो आप लोग वीडियो में देख ही सक रहे हैं। तो मैंने कैसे जो बोटी सब है जो पानी में मैंने फ्लड कर रहा है, और चलिए गाइस अंदर ले चलते आप लोगों को। तो अंदर में देखिए गाइस, पूरा एकदम मैंने पानी जो होता है ब्लू रंग का, तो ऐसे ही कुछ किया गया है।
तो आप लोग कुछ दिखता होगा, देखिए वहाँ पे एक सबमरीन वाला जो आदमी होता है ना, जो जो पानी के अंदर जो जाता है, पंडुक्की बोलते हैं उसको, तो वो भी दिखा आपको। और अंदर जाने के बाद देखिए गाइस आपको बहुत कुछ दिखेगा, पर समझ नहीं आएगा ब्लू लाइट की वजह से। और लाइट गाइस अगर कोई और करता तो अच्छा ही होता, बैठता सब समझ आता है। और देखिए यहाँ पे एक शार्क भी है, मैं आप लोग दिखाता हूँ। देखिए आप लोग जितना मैं समुद्र में जितना जीव होता है गाइस वो सब पूरा अंदर में पर डेकोरेट किया गया है। और ये देखिए एक मछली, इसका मान इसका नाम नहीं पता, पर इसके पीछे में देखिए गाइस आपको एक शार्क दिखेगा, ये देखिए पूरा रियल शार्क। और शार्क देखिए आगे आता होगा। अब चलिए गाइस बारी है आप लोगों को जो दुर्गा माँ का जो मतलब जो मूर्ति है उसको दिखाने का। सबसे पहले आप लोग साइड में देख लीजिए, और देखिए ऊपर में आपको दिखता होगा वहाँ पे एक बोट खड़ा है, ऊपर खड़ा है तो नीचे दिख रहा है, मतलब हम लोग पानी के अंदर में, ठीक है पानी के अंदर। तो आप लोग बड़े देखकर समझ सकते हैं हम लोग पानी के अंदर का जो थीम है, पानी के अंदर का थीम है। तो हो रहा बोट और जो दुर्गा माँ का मूर्ति है गाइस, चलिए आप लोग को फाइनली दिखाते हैं। तो गाइस ये रहा दुर्गा माँ की मूर्ति, जो गाइस पिंक लाइट से बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजाया गया है, काफ़ी बेहद खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए गाइस अब चलते हैं बाहर। A few moments later. तो गाइस पूरा घूम घाम के फाइनली आ चुके हैं घर, और काफ़ी ज़्यादा थक गए गाइस। और ये तो कभी घूमती नहीं है, बाहर निकलती नहीं है, और ये भी काफ़ी ज़्यादा थक गई है। बताओ कैसा लगा सर, जोर से बोलो। बहुत अच्छा। और घूमने जाएगी गाइस? पहला बात ये तो घर से निकलती नहीं कभी, और मैं इतना चलने के बाद तो मैं शरीर पर थक गया इसका, वरना और भी घूमते हम लोग। तो लास्ट पैनल देख के मैंने वो बोली अब नहीं घूमेगी, घर जाएगी। जैसे लास्ट पैनल देख के हम लोग घर आ गए। हाँ गाइस, और एक बात, अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट करना गाइस, ठीक है। तो चलिए गाइस मिलते हैं हम लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तक टाटा बाय बाय और ना जाने।